ये आज हम इस जगह खड़े हैं, इसका ये है एम्पी थिएटर। ये स्पेशल और स्पेशल चीज़ है जो कि रॉयल पर्ल इनक्लेव की जान है। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा फराद भाई से पूछते हैं और इसकी अमेनिटीज़ के बारे में पूछते हैं कि इसमें क्या क्या अमेनिटीज़ रॉयल पर्ल इनक्लेव में क्या क्या फैसिलिटीज़ जो हैं वो देने जा रहे हैं, क्या क्या अमेनिटीज़ देने जा रहे हैं, और स्पेशली HRL का क्या विजन है इस बारे में, तो ये बताते हैं फराद भाई प्लीज़। हाँ, अगर हम लोग एम्पी थिएटर की बात करें तो ये वन ऑफ द यूनिक फीचर है। हम अल्हम्दुलिल्लाह रॉयल पर्ल इनक्लेव के अंदर ना सिर्फ पूरे पंजाब में बल्कि मेरे ख्याल में अभी तक तो मैंने कहीं और नहीं देखा, अभी तक मैंने कहीं और भी ये एम्पी थिएटर नहीं देखा। तो हम बात करें, यहाँ पे हमारे ऑलरेडी बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स भी होते रहे हैं, इसके अलावा स्कूल के, इसके अलावा और बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं उनके इवेंट्स बड़ा होते अच्छा रहे। ऐड ऑन है ये सोसाइटी जी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह। कि मतलब एक SMD पीछे लगी हुई है, इस पे बहुत ज़्यादा चीज़ें फोकस हो सकती हैं, इस पे एजुकेशनल के हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, इसमें कल्चरल के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और ये बेस्ट मेरे हिसाब से तो इतना खर्चा सोसाइटी से नहीं करती, SMD इंस्टॉल करें और उसको फिर स्पेशल पब्लिक के लिए खोल दिए जाए। सर प्लीज़ कंटिन्यू करें। अच्छा, इसके अलावा अगर हम अमेनिटीज़ की बात करें तो ये DG खान की वाई सोसाइटी है जिसके अंदर अपना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर हॉस्पिटल मौजूद है। अच्छा, सेकेंडली बात करें, स्कूल्स मौजूद हैं यहाँ पे, कॉलेज मौजूद है हमारे पास, इसके अलावा हमारा एक पार्क मौजूद है। चार पार्क की बात करें, बच्चों से लेकर बड़ों तक तमाम लोगों को हम लोगों ने इसमें कवर किया है। इसमें जॉगिंग ट्रैक मौजूद है, इंडोर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मौजूद है, इसके अलावा चिल्ड्रन प्ले एरिया मौजूद है हमारे पास। और अगर हम बात करें तो हमारे पास वन ऑफ दी